शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन लाशरी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सिंधु यूनिवर्सिटी का जो इशू चल रहा था कि चालान तो आ गया है, सबको मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था कि कैसे आप चालान जो है आपका अपना डाउनलोड करें। तो उस चालान डाउनलोड करने में एक दो ऑप्शन थे, एक था एडमिशन चालान और दूसरा था रिटेनिंग चालान। तो बार बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर रिटेनिंग चालान, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द रिटेनिंग चालान, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेनिंग चालान, रिटेनिंग चालान का मतलब क्या है या फिर रिटेनिंग चालान क्यों होता है। तो सारा प्रोसेस जो है इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बार बार ये कहना पड़ता है सब्सक्राइब करें या ऐसा करें या वैसा करें, अगर करेंगे तो आपका हमारा भी अच्छा हो जाएगा और आपका भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम अपडेट करते रहते हैं और आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या, हमें तो अपडेट करना ही है। एक स्टूडेंट हो या फिर 1000 स्टूडेंट्स हो, उनके लिए अपडेट तो करना ही होता है, ठीक है। तो आज ये मैं प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके बाद पीएसटी और जेईई की भी तैयारी करवा रहा हूँ मैं। तो अगर आपने कभी कहीं और भटकना नहीं है तो हमारे चैनल पे, मैं अपने चैनल पे ही खुद तैयारी करवाता हूँ, तो आप वहाँ जाके चैनल विज़िट करें और वहाँ जाके आप तैयारी कर सकते हैं, खुद भी तैयारी करें और दोस्तों को भी तैयारी करवाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे आएंगे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद जो है तो हम ऐसे क्या करना है, तो सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है सिंध यूनिवर्सिटी की, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये ऑप्शन आ गया तो हम इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपन करने के बाद ये आपका ये आ गया है। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी तो उसमें उस पर आपको बनाना था। तो और इसके बाद ये ऑप्शन, न्यू ऑप्शन आया था, तो इसके हवाले से भी मैंने अपडेट कर दिया है कि आपको CPN अब कैसे कैलकुलेट करनी होगी। तो दो CPN के दो फार्मूले हो गए। अब जो स्टूडेंट्स LAT यानी मतलब जो LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये होगी SSC 10%, HSC 30% एंड LAT 60%, ठीक है। तो और जो LLB के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो उनके लिए SSC 40% एंड HSC 60%, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको देखना है, उसके बाद हम जाएंगे ये जो मेरिट लिस्ट है, तो मेरिट लिस्ट भी हम आपने देख ली, चेक कर ली। उसके बाद एप्लीकेशन होम पे जाएंगे, ठीक है। तो होम पे जाने के बाद तो डाउनलोड और चालान भी, अगर आपने अभी तक चालान डाउनलोड नहीं किया तो चालान डाउनलोड करें ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो चालान भी आप डाउनलोड करें और रिटेनिंग चालान क्या है वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्किप ना करें वीडियो को, अगर स्किप करेंगे तो आपके साथ कोई मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि डाउनलोड चालान, तो ये डाउनलोड नहीं करना, ये मास्टर्स के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये चालान होगा। तो आपको जाना है गोट डैशबोर्ड, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये थोड़ा प्रोसेस चल रहा है, तो हम आ गए, ठीक है। तो आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है, रिमार्क्स में कुछ नहीं है, चालान वेरीफाइड है, प्रोफाइल वेरीफाइड है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वेरीफाइड हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर्म। तो ऑब्जेक्शन फॉर्म की आज रात 12 बजे तक लास्ट डेट है, तो ऑब्जेक्शन फॉर्म आप फिल करें और जाके जल्द से जल्द फिल करें ताकि जो भी आपके साथ ऑब्जेक्शन हो, आपका जो भी मसला हो तो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। उसके बाद क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिशन चालान हु इज सिलेक्टेड इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो आपको इस यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक करके आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बैचलर और मास्टर्स डिग्रीज़ हैं तो उसको हम देखता हूँ। तो ये जो है, ये जो इसके दो डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन हो गई है, तो दोनों डिपार्टमेंट्स की
ये क्या है, एडमिशन चालान, ठीक है, उसके बाद रिटेनिंग चालान, ठीक है। तो रिटेनिंग चालान जो है इंग्लिश मिला है मेरे सेल्फ पे फर्स्ट चॉइस, और फिजियोलॉजी मिला है फिजियोलॉजी मेरिट पे लेकिन फिफ्थ चॉइस जो है, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप भी दिखाएं, ठीक है। उसके बाद रिटेनिंग चालान का मतलब क्या है, अब सबसे पहले एप्लीकेशन एडमिशन चालान है, एडमिशन चालान जो होगा वो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड का ऑप्शन मिला है, डाउनलोड हो गया, तो मैं फिजियोलॉजी का जो है वो देख रहा हूँ, तो फिजियोलॉजी का आपको कैसे आप डाउनलोड करें और सारा प्रोसेस, ठीक है। तो आप हम आगे हैं, तो सबसे पहले ये जो है तो ये जितनी भी फीस है आपको जमा करवानी होगी, अगर जमा नहीं करवाएंगे तो आपका जो नाम है सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा, अगर सेकंड लिस्ट में आप चलना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अगर सेकंड लिस्ट में आप आना चाहते हैं तो इसको ये चालान जो है वो एडमिशन चालान जो है वो जल्द से जल्द जमा करवाना होगा, अगर एडमिशन चालान जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है रिटेनिंग चालान से मतलब क्या है, ये जो आपने देखा एडमिशन चालान जो था वो मेरिट फिजियोलॉजी का 24,000 रुपीज़ का था, तो ये हो गया रिटेनिंग चालान। रिटेन चालान का मतलब क्या है, रिटेन चालान का मतलब ये है कि अगर आप कोई डिपार्टमेंट कंफर्म करना चाहते हैं, अगर फिजियोलॉजी आपको पसंद डिपार्टमेंट मिला है तो आप वो रिटेनिंग चालान फिजियोलॉजी वाला जो है वो आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको रिटेनिंग चालान जमा करवाना होगा कहाँ, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये रिटर्निंग चालान मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिटर्निंग चालान कितने का है, तो रिटर्निंग चालान जो है वो ओनली 200 रुपीज़ का है, रिटर्निंग चालान जो होता है वो कम होता है 200 रुपीज़ का होता है, या कम इससे भी कम, कभी कभी इससे भी कम हो जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक होता है, ठीक है। तो रिटर्निंग चालान आपने देख लिया, तो रिटर्निंग चालान का जो भी अकाउंट नंबर होगा, और जो पहले आपने एडमिशन चालान का जिस डिपार्टमेंट का आप ले रहे हैं तो वही सेम होगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जांपल आपको डिपार्टमेंट इंग्लिश भी मिला है और वो भी मिला है, तो एडमिशन चालान जो है वो आप इंग्लिश का फिल करें और जो है रिटेनिंग चालान फिजियो का फिल करें, ऐसा नहीं होगा। जिस डिपार्टमेंट का आप एडमिशन चालान फिल करेंगे और उसका ही आपको रिटेनिंग चालान जमा करवाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपने देख लिया, अगर इसके साथ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर जल्द से जल्द पूछें, ताकि आपको जल्द से जल्द गाइड कर सकूं। और काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर रिटर्निंग चालान क्या है, तो ये भी मसला हो गया ख़त्म। और उसके बाद एक अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको बतानी है, ठीक है। ये तो हो गया, हमारा चालान भी हो गया, सारा प्रोसेस चालान जो है वो कहाँ भी आप जमा करा सकते हैं, तो ये जो है ये आपको पढ़ना लाजिम है। ये क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आफ्टर पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस चालान इफ यू आर डिजायर्ड टू रिटेन द सेम डिसिप्लिन सब्जेक्ट वेयर यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड पेड द एडमिशन फीस चालान यू मे डू सो दैट सो बाय डाउनलोडिंग कंप्यूटराइज्ड डिसिप्लिन रिटेनिंग चालान, ठीक है। तो अगर आप कोई डिपार्टमेंट कंफर्म करना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वही डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको ये रिटेनिंग चालान जमा करना होगा उस डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आपको चालान नहीं जमा करना होगा। उसके बाद प्लीज़ नोट चालान नंबर ऑफ बोथ चालान एडमिशन फीस चालान एंड रिटेनिंग फीस चालान मस्ट बी सेम, ये आपको देखना है, होंगे सेम लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए आप देख भी सकते हैं। उसके बाद अटेंशन क्या करना है, द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन फॉलोइंग डिग्री प्रोग्राम्स इन फर्स्ट प्रोविनल मेरिट लिस्ट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट दे आर रिक्वायर्ड टू विजिट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एडमिशन कंसर्न इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट फॉर द कलेक्शन एंड द रिटेनिंग चालान एंड काउंटराइज्ड द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ एडमिशन इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट अप टू फ्राइडे 22 जनवरी 2021। तो इसमें ये कह रहा है कि जो भी नीचे गए डिपार्टमेंट्स हैं इनका चालान आ गया है, तो जहाँ भी आपका डिपार्टमेंट है तो एडमिशन चालान आप
कहीं भी जो भी आपके करीबी ब्रांच हो HBL की, वहाँ आप जमा करा सकते हैं एडमिशन चालान। और जो आपको रिटेनिंग चालान मिलेगा, रिटेनिंग चालान सिर्फ और सिर्फ आप जमा करा सकते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी जाके एडमिशन डायरेक्टर ऑफिस में, या फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी आपको मिला है या फिर इंग्लिश मिला है या फिर कोई और आपका पसंद डिपार्टमेंट मिल गया है, तो रिटेनिंग चालान आपको वहाँ जमा कराना होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप को कोई भी उसके हवाले से आपको कोई भी एक भी मिस्टेक नहीं करनी, अगर मिस्टेक करेंगे तो आपका एक साल ज़ाया हो सकता है और आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनके चालान आ गए हैं वो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ़ टेक्सटाइल डिज़ाइन, बैचलर ऑफ़ कम्युनिकेशन डिज़ाइन, बैचलर ऑफ़ आर्ट्स, आर्ट एंड हिस्ट्री, बैचलर ऑफ़ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, BS ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, BS फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। तो ये आपने देख लिया कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको कोई प्रोसेस, थोड़ा सा भी प्रोसेस समझ में ना आए तो ज़रूर मुझे कमेंट में से पूछें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर के लिए अप्लाई किया हुआ है और ये जो सीज़न है तो सीज़न 2021 सीज़न चल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी देख भी सकते हैं शिफ्ट कौन सी मॉर्निंग शिफ्ट में हुई है या फिर इवनिंग शिफ्ट में हुई है, तो कैटेगरी कौन सी है, सेल्फ फाइनेंस पे इंग्लिश मिला है और मेरिट फाइनेंस पे मिला है फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आप जाके अपने डायरेक्टरेट कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट आपका है, तो वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, जल्द से जल्द जाएं। और आज जो है लास्ट डेट है 12 बजे, रात 12 बजे किसकी ऑब्जेक्शन फॉर्म की। अगर आपका आपसे कोई भी दांतली हुई हो तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करें, फिर ऐसा ना कहना कि सर आपने अभी तक बताया नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अगर प्रोसेस ना समझ में आए ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं ताकि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए जल्द से जल्द। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद। अगर जैसे सेकंड लिस्ट आएगी तो मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूँगा।